विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग। 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। धुरकी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा धुरकी प्रखंड के मिर्चैया तथा पनघटवा में लगे ग्रामीण जलापूर्ति पानी टंकी बनकर वर्षों से उद्घाटन की बात जो रही है। मालूम हो कि मिर्चैया ग्राम में लगभग कनेक्शन धारियों की संख्या 1200 है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव में पानी की समस्या के लिए यह पानी टंकी का निर्माण हुआ था, जो वर्षों से बंद पड़ा है तथा मशीनें जंग खा रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जलापूर्ति पानी टंकी बनकर बिल्कुल तैयार है, केवल उद्घाटन की वजह से पानी टंकी बंद है। ग्रामीणों में धीरेन्द्र यादव, आशीष कुमार, चंदन कुमार, भरदुल यादव, विनोद यादव, ललमणि भुइया, सभी ग्रामीणों ने जलापूर्ति पानी टंकी चालू कराने की मांग की है। वहीं पूछे जाने पर पेयजल आपूर्ति के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा के कनीय अभियंता ने बताया कि सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ तकनीकी कार्य के चलते ग्रामीण जलापूर्ति पानी टंकी बंद पड़ा है, जल्द ही इसे चालू कर गाँव एवं टोले में पानी की सप्लाई कर दी जाएगी। पनघटवा से पानी फिल्टर होकर मिर्चैया निर्मित पानी टंकी से टोले में पानी सप्लाई होती है। 2019-20 में पानी टंकी निर्माण हुआ था। लगभग 380,000 लीटर पानी क्षमता वाले पानी टंकी से 3 गांव मिर्चैया, टाटी देरी तथा पनघट व गांव लाभान्वित होंगे। लगभग 2000 घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य है, लगभग 14 करोड़ की लागत से। क्या कहते हैं टाटी देरी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अखिलेश पासवान। इस संबंध में पूछे जाने पर बताया कि पानी टंकी बनकर पूर्ण रूप से तैयार है। कुछ गांव में पाइप बिछाने का कार्य चल रहा था, जो लगभग पूर्ण हो चुका होगा। इसके लिए मैं विभाग को भी सूचित किया हूं। यह पानी टंकी बनकर हाथी का दांत जैसा साबित हुआ। अगर 1 सप्ताह के अंदर चालू नहीं हुआ तो बाध्य होकर हम सभी ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने को तैयार हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर कनीय अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि अभी उसमें कुछ काम चल रहा है, 2-3 महीने और लगेंगे, इसके बाद ही चालू हो पाएगा।